मौका है बिकॉज ये अवार्ड आपके हाथ में जब आता है ना यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड और मुझे ये मिला है वो फैशन फर्स्ट लेडी ही होती है जो आपको इन्फ्लुएंस करती है एज अ मदर एज अ वाइफ एज अ डॉटर तो आई थिंक मेरे पास तीनों हैं और इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे पास आई नो एंड हम दोनों साथ में खड़े हैं वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी आर सो हैप्पी टू बी हियर एंड एक्चुअली यार मुझे लगता है ये इंडस्ट्री का वो अवार्ड है जहाँ दादा साहब फाल्के आता है वो हमें वहाँ से पता लगता है कि जिसने इंडस्ट्री की शुरुआत की हमारे बॉलीवुड की या हमारे बोला जाए फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की ही वॉज अ पर्सन जिनने आज जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री है खड़ी हुई और हम सब यहाँ खड़े हैं एंड वी आर ब्लेस्ड कि आज हमें वो अवार्ड मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है और आई हैव टू रीच प्लेसेस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी थैंक यू मेरे को बहुत खुशी मेरे पास बहुत सारे अवार्ड है पर मेरा ये बेस्ट अवार्ड है मैंने इस अवार्ड के लिए बहुत सारी मेहनत की है अभी जब स्कूल जाओगे फिर दोस्तों क्या बताओगे क्या अवार्ड मिला मैं बोलूँगा कि मेरे को दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिला है मैं फ्यूचर में जाके मॉडल और एक्टर बनना चाहता हूँ See, I want to thank you Filmora Network. I want to thank Akhilesh Singh and Palash Datta. And thank you for giving me this big award, Dada Saab Phalke Television Award. And it's best social media and film. Thank you so much. Thank you so much. It's a big award for every man. Yeah, it's an achievement. First of all, thank you so much, Akhilesh Ji and Palash. For having me here and yeah it's an achievement Dada Saheb Phalke ek bahut bada naam hai apne aap mein to wo award milna obviously ek achievement hai and mom ki blessings hai to itna pyar logo ko mil raha hai papa ka pyar itna pyar logo ka mil raha hai to agar family ka support hota hai bhale hi wo dur se pyar mohabbat call pe hi de dete hain to bahut aage aap badhte rehte ho thank you so much yeah एंड आपके तोहफा सॉन्ग पर इतनी ज़्यादा रील बनी इतना ज़्यादा प्यार मिला क्या आज दिन आपके तोहफे मिल रहे हैं कुछ बताना चाहेंगे ये उसी का तोहफा है बेसिकली तो तोहफा गाने को प्यार देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया गाइस सबको मैं बोल रहा हूँ सबका प्यार मिल रहा है तभी तोहफा ट्रेंड कर रहा है रील्स पे काफ़ी ट्रेंडिंग पे है एंड अभी रील्स बनती जा रही हैं और बनती जा रही है बढ़ता जा रहा है तो उसी का फल मुझे मिला है बीइंग अ सिंगर एक सिंगर के लिए माइक इश्क मुझे करना है करने दो मरने का है मन तुम पे मरने दो इश्क मुझे करना है करने दो मरने का है मन तुम पे मरने दो बातें जो करती हो इशारों में लगती हो कितनी प्यारी बताने आए हैं दरवाजे खोल दो ना तुम दिल के ओ सनम तेरे लिए तोहफे में हम दिल लाए हैं सबसे पहले जय श्री राम हर हर महादेव और जितने मेरे भोजपुरी समाज हैं देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उसका मेरा प्रणाम मैं कंपोजर मुन्ना दुबे और ये दूसरी बार मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है फिल्म अघोरी के लिए तो थैंक्स अखिलेश मिला शर्मा है और मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं फिल्में की हैं लेकिन ये जो अवार्ड मुझे मिला है ना इसकी खुशी में बयान नहीं कर सकती ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है बस शुक्रगुजार हूँ अपने भगवान की और फैंस की इतना सारा प्यार देने के लिए और थोड़ी सी निशब्द हूँ बट बहुत ज़्यादा खुश हूँ थैंक यू सो मच अखिलेश जी त्यांनी हा मला सुंदर असा दादा साहेब फाळके अवॉर्ड दिलेला आहे आणि मी खरंच खूप प्राउड फील करते की हा मला अवॉर्ड भेटलेला आहे आज आणि मी खूप मेहनत करून हा अवॉर्ड आजपर्यंत म्हणजे आज घेतलेला आहे खूप स्ट्रगल करून आणि ह्याच्या पुढे पण मी खूप अचीवमेंट करेन
See, I think Dada Saheb Phalke is the best award to get as an actor क्योंकि सब जानते ही हैं वो कितने legendary इंसान थे तो I'm very very honored to receive this award as best actress and I'm very happy that this gave me a motivation to work even harder and even better in future to get more awards like this and I'm very very happy that my parents are here to see me receive this award and thank you all the guys in the media who are like always supporting me and you guys made my video go viral and that's why today I am out here absolutely. And the award is definitely but काफी लोग बोलते हैं नहीं awards are a sham awards are bought and this and that I think that's all fake everybody wants an award and everybody deserves an award of course it's all also a matter of luck and chance and time कि कुछ लोगों को अवार्ड मिलते हैं कुछ लोगों को अवार्ड बिकॉज बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मेरे करियर में हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है पर उनको अभी तक अवार्ड नहीं मिला है तो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ लक आई थिंक देखिए हम लोग बनते हैं हमारी फैंस की वजह से आप लोग के प्यार की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं सो थैंक यू सो मच टू ऑल द फैंस थैंक यू सो मच टू एवरीबडी हु हैज सपोर्टेड अस जिन्होंने हमारा गाना देखा उसको चाहा और सराहा सो थैंक यू टू एवरीबडी जो हमारे गाने देखते हैं लाइक करते हैं शेयर करते हैं ऐसे ही हमें प्यार देते रहे कि अखिलेश जी ने हमें इतना सम्मान दिया उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एज अ वन ऑफ सिलेक्शन कमेटी ऑफ जूरी दादा साहेब फाल्के अवार्ड की सिलेक्शन कमेटी ऑफ जूरी हमें नियुक्त किया उसके लिए थैंक यू सो मच डेफिनेटली बहुत बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो होता है मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मुझे बुलाया गया है और मुझे अवार्ड दे रहे हैं थैंक यू सो मच अखिलेश जी के लिए कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा इस अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए थैंक यू सो मच मैं आभारी हूँ कि इस अवार्ड ये ट्रॉफी मुझे मिली है आई एम सो हैप्पी मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बस शुरुआत है अभी तो मंजिल और रास्ता ये तो बहुत बाकी है अभी और ही इज़ अ डिज़र्विंग कैंडिडेट उन्होंने बहुत कठिन वक्त बहुत छोटी एज में देख लिया है और नहीं सो यू नो बहुत कठिन वक्त उन्होंने देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त जा चुका है और अभी राइजिंग स्टार सो यू नो अब जो टाइम है वो सिर्फ आगे देखने का है तो मुझे ऐसा लगता है कि माय गुड विशेस इज ऑलवेज देयर विद हिम और मेनी मोर टू कम ये तो बस एक शुरुआत है आदिल सर आपने कुछ अभी बोला है कि ये कुछ मत बताओ ये मत बताओ नहीं देयर इज समथिंग नहीं 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 बिग बॉस के रिलेटेड नहीं है देयर इज समथिंग इट्स गोना कम आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अभी मुझे कॉल भी आया था कि कुछ मत बताओ देना नॉट मेनी थिंग्स दैट आर कमिंग सो जस्ट वेट ताकि हम न्यूज़ क्रैक करते रहें और आप लोगों को हर बार कुछ ना कुछ नया देते रहे पर इतना जरूर बोलूंगा इन्होंने मुझे रोका है पर भी बोलूंगा देयर इज नॉट मेनी थिंग्स आर कमिंग एंड ऑल बिग बिग थिंग्स मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा इट्स ऑल अबाउट बिलीव एंड हार्ड वर्क when I was starting my career as a casting person, I started with Befikre, with Ranveer Singh only. और अभी जो मैंने latest film की है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रणवीर सिंह के साथ करण जौहर डायरेक्टर थे इस फिल्म के बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा बहुत ही प्यारी फिल्म है और इट्स ऑल अबाउट लगे रहो मतलब जहाँ आपका बिलीव है और जिस फील्ड में आप हो मेहनत करो लगे रहो बहुत खुशी हो रही है एंड आपको मालूम है कि जब हम लोग काम बहुत मेहनत से करते हैं एंड जो मैंने काम किया आई हैव वन लॉरियल फेस ऑफ द ईयर दैट वॉज इन लंडन तो इंटरनेशनल लेवल पे जब हम लोग काम करते हैं इतना मेहनत से और फिर एप्रिसिएशन मिलता है तो इट मीन्स अ लॉट तो आई रियली थैंक मिस्टर अखिलेश सिंह फॉर हैविंग मी हियर एंड रिकग्नाइजिंग माय It's been an honor for both of us. Like ये दादा साहब फाल्के अवार्ड is not a small award. ये नाम अपने ही में बहुत बड़ी इतिहास रचा हुआ है तो ये अवार्ड मिलना is a very big thing for us because क्या होता है ना जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको सफलता मिलेगी नहीं तो आप मेहनत करते जाओ फल आपको महादेव देंगे तो उसी चीज़ का हमें फल मिल गया है यस तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग जो भी सालों साल मेहनत करते हैं एट द एंड हमें क्या चाहिए उसका रिजल्ट भी क्या चाहिए कि लोग हमें अप्रिशिएट करें तो ये जो अप्रिशिएशन मिली है दादा साहब फाल्के ये बहुत बड़ी बात है और थैंक यू अखिलेश जी थैंक यू दादा साहब फाल्के कि हमें सम्मानित किया बेस्ट प्रोडक्शन हाउस अवार्ड और जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी हमारे सुंबुल
सुंगुल टॉकी और उसमें तो सब लोग थे ही आप लोग, और अभी नेक्स्ट जो शिफ्ट के साथ भी गाने का प्लान है, सारी चीज़ें हैं, तब भी आप, हम चाहेंगे कि आप सब आए हो वहाँ पे और अच्छा लगेगा। मैं बोलूँगा तो लगेगा कि अपने छोटी मुँह बड़ी बात ऐसा हो रहा है। सिमरन से ही सुने, सिमरन क्या कुछ कहना चाहेंगे आज कैसा, खास करके मंदाकिनी जी अपने बीच में रहे तो कैसा फील कर रहे हैं, और लेजेंडरी, और इतना हम लोगों ने रिएक्शन देखा लोगों का कि लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, ट्रॉफी उनके साथ लोगों ने लिया, तो बड़ी खुशी महसूस हुई। आपको क्या लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? मुझे इतना मज़ा आया क्योंकि अखिलेश सिंह सर, मैं सबसे पहले बधाई आपको देना चाहूँगी, इतना खूबसूरत सा आपका ब्यूटीफुल दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स 2023, ये सुपर डुपर हिट था ऑफकोर्स बिकॉज हमारे चीफ गेस्ट थे मंदाकिनी जी, और सभी जो आ रहे हैं अपने अपने फ्रेम से, अपने अपने तरफ से, सुन साहिबा सुन, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई प्रेजेंट कर रहा है उन्हें तोहफा, तो उन्हें भी इतना मज़ा आया। और जो हमारे सेलिब्रिटीज़ थे उन सब ने, उनके इतने सारे अनवील्स हुए, और पहली बार ऐसा किताब हमने अनवील किया जो हमारे फॉरएवर लेजेंड पे हैं लता मंगेशकर जी, जो आरजे अनिरुद्ध का किताब है, अगेन मंदाकिनी जी का जो गाना है सुन साहिबा सुन, उसमें इतना मज़ा आया। और सबसे बेहतर बात यह है कि मंदाकिनी जी इतना वक्त कहाँ पर नहीं देते, और इतने प्यार से वो सभी को अवार्ड्स दे रहे थे, फोटो सेशंस कर रहे हैं, तो ये बहुत बेमिसाल रहा। What a spectacular, magnificent show! Congratulations to Akhilesh Singh! Thank you. मेरे 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 ख्याल से ये मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन शो था अब तक, जितना भी शो मैंने किया है उसमें एक ये भी कड़ी जुड़ी, लेकिन बेहतरीन कड़ी जुड़ी। और ख़ास करके मैंने रिक्वेस्ट की थी मंदाकिनी जी से कि आधे घंटे के लिए आप आइए, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, 2.5 से 3 घंटे मंदाकिनी जी स्टेज पे खड़ी रही, तो मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी थे, अदनान थे, इकबाल, अदनान खान थे, और तमाम बहुत बहुत सारे सेलिब्रिटी थे जिनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ। सो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से ऐसे ही अगले शो में, अगले सीज़न में फिर से मुलाकात होगी हमारी आपकी। थैंक यू सो मच। अखिलेश जी काफी लेट होते जा रहे हैं, आप राइजिंग स्टार और हैंडसम भी हो रहे हैं, और एक सब आपको बात बताना चाहूंगी, इन्होंने भोजपुरी फिल्म में ठुमका भी दिया है, इन्होंने भोजपुरी फिल्म भी की है, मुझे पता नहीं था। हाँ, और ठुमका भी करते हैं आप जी, जी। लोग जाते हैं, लोग जाते हैं अखिलेश जी, आप और मैं का गाना है, प्लीज मुझे गाना दीजिए। श्योर श्योर श्योर, जितना जितना जल्दी, हम लोग कर रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं। किशोर फिल्म हमारे बाजू में खड़ी है, किशोर फिल्म हमारे लिए एक करिश्मा जी नजर आप पर, आइए ज्वाइन करिए, नजर आप पर है, हम चाह रहे हैं कि एक गाना ये लोग तैयार कर रहे हैं हमारे लिए जो सिमरन के ऊपर पिक्चराइज होगा, और उसको पिक्चराइज मैं करूंगा एज ए कोरियोग्राफर, तो ये मेरा वादा रहा। और अक्षत हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर लगते हैं, हो सकता है कि सिमरन के साथ अक्षत, मेरे पार्टनर बनोगे प्लीज? ये पार्टनर बन चुके, रिजर्व हो चुका हूं मैं पूरी। अरे वीडियो में जान टेम्पररी, सो विशाल जी रियल और रील का मैं मतलब मैं आपको बाद में बताती हूँ जी, विशाल मतलब फिल्म, थैंक यू सो मच। संतोष जी कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। मैंने कहा कितनी फिल्में आप किए हैं, मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं अब तक आपको बता दूं 200 फिल्में मेरी है, कुली नंबर वन, नाड़ी नंबर वन, हसीना मान जाएगी, जोरू का गुलाम, लज्जा, घातक, जिद्दी, जुड़वा, तिड़वा, जितने जुड़वा के सीजन है, खिलाड़ी के जितने सीजन है, सब मैंने की है एज ए असिस्टेंट कोरियोग्राफर। गणेश जी मेरे गुरु हैं, उनके साथ मैं तकरीबन 15 से 16 साल उनके साथ काम किया, आज भी कहीं पे भी मिलते हैं तो बोलते हैं ये जो रिपोर्टर है ये मेरा असिस्टेंट हुआ करता था, आज भी बोलते हैं जहीं पे भी मिलते हैं, कहीं पे भी मिलते हैं। श्योर करेंगे, बहुत कुछ बड़ा धमाका हम लोग करने वाले हैं, बहुत जल्दी ही आप लोगों को सब बता दिया जाएगा, जरूर बुलाएंगे। थैंक यू।